हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर ब्लाउज डिज़ाइन बनाएंगे जो बैक पार्ट के ऊपर है और इसका जो फ्रंट पार्ट है ये देखिए। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये जो ऊपर मैंने गले पर डिज़ाइन बनाई है, ये डिज़ाइन ब्लाउज पर आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए। तो आज हम इसी ब्लाउज का बैक पार्ट बनाएंगे, तो चलिए आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले से मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है, अब हम नेक की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर मैं बैक पार्ट में हुक लगाऊंगी इसलिए मैंने आधा इंच बढ़ा कर लिया है। अब जो नेक है उसका टोटल लेंथ रखना है 11.5 इंच। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा डीप भी बना सकते हैं। तो यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाना है और एक बॉक्स बना लेना है, देखिए इस तरह से। देन यहाँ से आधा इंच बढ़ाकर एक निशान लगाना है और यहाँ पर वी नेक ड्रॉ करना है। तो वी नेक बनाने का सबसे आसान तरीका मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। तो इस तरह से पहले स्केल से लाइन ड्रॉ करना है और उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गोल वाला वी शेप बना सकते हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो है गोल वाला वी शेप ड्रॉ करना है। देखिए अब हम इसे कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देन यहाँ पर इस तरह से इसे कटिंग करना है। अब इसके बाद इसकी जो जॉइंट आएगी यहाँ पर, इसे कट करके अलग कर लेना है। अब यहाँ पर मेन कपड़ा लेना है, देन अस्तर वाली पार्ट को मेन कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ पर पिन लगा लेना है। देखिए इस तरह से पिन जितना चाहे आप लगा सकते हैं और कपड़े की जो सेंटर है उस पर भी एक निशान लगा लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है, देखिए इस तरह से। तो ये भी आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो इस तरह से जो है मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल लेना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ से कट कर लेना है जिससे दोनों पार्ट बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर पूरे डिज़ाइन पर छोटे छोटे से कट लगाना है, देखिए इस तरह से। देन अस्तर को एक साइड में फोल्ड करना है और यहाँ पर हाथ से प्रेस लगाना है, ये देखिए इस तरह से। अब अस्तर को पूरी फोल्ड कर देना है इस तरह से, दोनों ही पार्ट को ऐसे ही फोल्ड कर देना है। इसके बाद ऊपर से फिनिशिंग का सिलाई लगा लेना है, देखिए इस तरह से। तो मैं आपको एक ही पार्ट दिखा रही हूँ, ऐसे ही दोनों पार्ट को ही रेडी कर लेना है। तो अब पीछे की साइड पर अस्तर के साथ मेन कपड़े को जॉइंट करना है। तो देखिए यहाँ से साइड सिलाई लगा लेना है, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए साइड सिलाई लगा लेना है इस तरह से, ये देखिए। तो इसी तरीके से मैंने दोनों पार्ट को ही रेडी कर लिया है और यहाँ पर जो हुक और आई की पट्टी लगाएंगे उसके लिए मैंने पट्टी कटिंग कर लिया है। जो मेन कपड़े की पट्टी है वो लगभग आपको 4 इंच चौड़ा लेना है। तो पहले हम यहाँ पर इसके ऊपर लेस लगा लेंगे, आप चाहें तो लेस को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने गोल्डन कलर का लेस लिया है और लेस को नेक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक ही सिलाई लगाकर इस लेस को मैं लगा लूँगी, देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर आई वाली पट्टी लगाएंगे, तो वो हमारी मेन कपड़े की पट्टी होती है। तो पहले हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और साइड से सिलाई लगा लेंगे, देखिए इस तरह से। अब बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है। इसके बाद पट्टी को सामने की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से और इसे सामने की तरफ इस तरह से, देखिए ऊपर की तरफ जो पहला सिलाई का लाइन है उसके ऊपर फोल्ड कर देना है इस तरह से। अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर डबल सिलाई लगा सकते हैं और इसके ऊपर हम आई बनाएंगे। अब हम जो अस्तर वाली पट्टी है यानी कि हुक की पट्टी है वो लगाएंगे। तो इसे हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर हम जो ब्लाउज़ की जो रॉन्ग साइड है उस तरफ पूरी फोल्ड कर देंगे, ये देखिए, जिससे हमारी बाहर से पट्टी दिखाई ना दे। तो इस तरीके से हम पूरी फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। तो देखिए मैंने दोनों ही पार्ट को रेडी कर लिया है और हमारा वी नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। और अब यहाँ पर बैक पार्ट में जो टक्स बनकर सिलाई लगाना होता है वो लगाना है। तो यहाँ पर चौड़ाई रखना है 4 इंच और लंबाई रखना है 5 से 5.5 इंच लंबाई रखना है। तो दोनों तरफ ही टक्स बनकर सिलाई लगा लेना है सेम तरीके से, ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है। देन मैंने जो ये कपड़ा लिया है इसकी टोटल लंबाई है 10 इंच और टोटल चौड़ाई इसकी लेना है 3 इंच, ये देखिए। तो अब हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ पर और कोई भी दोनों साइड पर सिलाई लगाना है, सिर्फ एक साइड खुला हुआ रखना है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से पट्टी को सीधा कर लेंगे कोई भी नोक वाली चीज़ से। तो इस तरह से सीधा कर लेना है और ऊपर से आयरन से प्रेस लगा लेना है, देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है।
तो जो साइड खुला हुआ रहेगा वहाँ पर कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से, और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर कपड़े की कोई भी साइड खुला हुआ नहीं रहेगा, बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम इसके दोनों साइड पर लेस लगाएंगे, तो इस तरह से हम लेस को रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारी से सिलाई लगाएंगे। आप आपके पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हैं। यहाँ पर दूसरी साइड पर मैं इसी तरीके से लेस लगा लूँगी, ये देखिए इस तरह से। दोनों साइड से लेस लगाकर मैंने इसे बॉर्डर जैसा बना लिया है। अब यहाँ पर बैक पार्ट लेना है और उसके ऊपर इस बॉर्डर को लगाना है। देखिए शोल्डर की तरफ से 1.5 या 2 इंच का गैप छोड़ना है और इसे लगाना है। 1.5 से 2 इंच का बस गैप छोड़ना है और यहाँ पर जो लेस के ऊपर सिलाई का लाइन दिखेगा उसी लाइन के ऊपर से सिलाई लगाना है इस तरह से। अब जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी इसे रखना है, देखिए इस तरह से, और फिर से इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट को रेडी कर लिया है। अब 4 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबाई में स्क्वायर पीसेस कटिंग करना है। टोटल 5 पीस कटिंग करना है और यहाँ पर सिंपल लटकन बनाना है बिना डोरी से। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए टोटल 5 लटकन बनानी है। तो देखिए फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद जो भी कपड़ा और धागा एक्स्ट्रा होता है उसे पहले कट करके फिनिशिंग देना है, उसके बाद हम लटकन को सीधी तरफ फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के टाइम पर आप पेंसिल का यूज़ ज़रूर कीजिए, उसमें बहुत ही ईजी होता है फोल्ड करने में। तो इस तरीके से मैंने 5 लटकन बना लिया है बिना डोरी से, तो देखिए इस तरह से। देन 11 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा कपड़ा कटिंग करना है जिससे हम बो बनाएंगे, और इसके साथ साथ 2 और कपड़ा कटिंग करना है जिसका टोटल लंबाई आपको लेना है। देखिए टोटल लंबाई मैंने लिया है 10 इंच और टोटल चौड़ाई आप 4 से 4.5 इंच ले सकते हैं। कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर जो मैंने गोल वाला शेप दिया है वैसे ही सिलाई लगाना है। तो पहले हम वो वाला कपड़े को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर का जो लाइन मिलेगा वहाँ पर कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर एक पिन लगा लेना है, देखिए इस तरह से। इसके ऊपर दूसरी साइड के कपड़े को भी फोल्ड करना है और यहाँ पर दोनों साइड पर सिलाई लगाना है। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पर। तो ये बो बनाने की सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ और इसमें बो का जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है। देन इसे पलट के सीधा कर लेना है और जो 4 कॉर्नर आएगा उसे पेंसिल की मदद से सीधा कर लेना है, देखिए इस तरह से। और आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन से प्रेस भी लगा सकते हैं। देन इसे बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है और यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल हल्का सा चौक का निशान लगाना है। देन यहाँ पर सुई धागा लेना है और यहाँ पर देखिए इस तरह से स्टिच करना है बिल्कुल सेंटर से। एक साइड से दूसरी साइड में जाना है, देखिए इस तरह से, और ये देखिए। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ पर सुई को दूसरी तरफ बाहर की तरफ ले आना है और यहाँ पर देखिए इस तरह से बो का शेप देना है, ये देखिए। और यहाँ पर जो धागा है उसे बिल्कुल इस तरह से लेना है और यहाँ पर 1 या 2 नॉट लगाना है, ये देखिए पीछे की साइड पर नॉट लगाना है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ तक ये बो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है जिसे साइड से फोल्ड करके एक सिलाई लगाना है, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद इसे सीधी तरफ फोल्ड कर लेना है, देखिए इस तरह से। इसकी जो सीधी साइड है उसे बाहर की तरफ निकाल लेना है और इसके ऊपर चाहे तो आप आयरन भी कर सकते हैं। अब हम बो के ऊपर इसे इस तरह से लगाएंगे, ये देखिए, और पीछे की तरफ मशीन से सिलाई लगा लेंगे, देखिए इस तरह से। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो देखिए अब इस पट्टी को इस तरह से उल्टा कर लेना है, तो इससे क्या होगा, बाहर से जो सिलाई का मार्जिन दिख रहा है वो बाहर से नहीं दिखाई देगा और सीधी और उल्टी दोनों साइड से फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से जो है पट्टी को उल्टा कर लेना है, देखिए इस तरह से। तो ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, दोनों तरफ आप फर्क देख सकते हैं। अब हम ये कपड़े को लेंगे और इसे फोल्ड करेंगे यहाँ पर और नीचे से सिलाई लगाएंगे, देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधी तरफ फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ऊपर से प्रेस लगा लेना है आयरन से। इसके बाद ऊपर जो खुली वाली साइड है वहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है और इसके बाद दोनों पार्ट को एक साथ में रखना है, ऊपर से सिलाई लगा लेना है जिससे दोनों पार्ट एक साथ में जॉइंट हो जाएगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद हम बैक पार्ट को लेंगे और जो लटकन मैंने बनाए थे उसके अंदर से सुई को इस तरह से ले जाना है और देखिए यहाँ पर जो ऊपर मैंने बॉर्डर लगाया है उसके ऊपर लगा लेना है, देखिए इस तरह से। तो बॉर्डर के नीचे की साइड से लगाना है इस लटकन को। यहाँ पर ऐसे ही टोटल 5 लटकन लगा लेना है,
ये देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया है। अब नीचे की साइड पर वो लगा लेना है, नीचे जो मैंने हुक बनाई है, जो हुक वाली पट्टी जिस तरफ लगाई है उस तरफ वो लगाना है। तो पहले बो के साथ नीचे के इस पार्ट को ज्वाइंट कर लेना है सुई धागे से ही, और पीछे से नॉट भी लगा लेना है देखिए इस तरह से। इसके बाद ब्लाउज में जो हुक वाली साइड है उस तरफ वो लगा लेना है देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से जब भी आप ब्लाउज़ में हुक लगाते हैं बैक पार्ट में और वहाँ पर बो लगाते हैं, तो आप हमेशा हुक वाली साइड पर ही बो लगाइए। देखिए इस तरह से अच्छे से नॉट लगाते हुए बो को अच्छे से अटैच कर लेना है ब्लाउज़ के साथ। देन दोनों साइड को इस तरह से एक साथ में रखना है और ये डिज़ाइन बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो गाइस आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है नीचे मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हो, मेरे वीडियो बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिए। गाइस इस ब्लाउज़ को पूरी रेडी करके इसका लुक कैसा आता है वो मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगी। तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।